अपनी ही टीम के लिए दुश्मन बन गया ये फ्लॉप खिलाड़ी, बर्बाद करवा दिए 18.50 करोड़ रुपए। पंजाब किंग्स की टीम ने बुधवार को खेले गए आईपीएल मैच में राजस्थान रॉयल्स को 5 रन से मात दे दी। पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2023 सीजन में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की है, लेकिन इसके बावजूद एक फ्लॉप खिलाड़ी अपनी ही टीम के लिए दुश्मन बन गया है। इस फ्लॉप क्रिकेटर ने अपने खराब प्रदर्शन से ये साबित कर दिया कि उस पर 18.50 करोड़ रुपए खर्च करके पंजाब किंग्स की टीम ने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया है। पंजाब किंग्स की टीम ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरेन को आईपीएल 2023 सीजन के लिए 18.50 करोड़ रुपए की रकम खर्च करके अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन इस ऑलराउंडर का प्रदर्शन 20 लाख के खिलाड़ी जितना भी असरदार नजर नहीं आया। बता दें कि सैम कुरेन ने T20 वर्ल्ड कप 2022 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 विकेट झटके थे। सैम कुरेन ने इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जिताने में बड़ा रोल निभाया था। T20 वर्ल्ड कप 2022 में शानदार प्रदर्शन की वजह से इस बार IPL 2023 के ऑक्शन में पंजाब किंग्स की टीम ने इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरेन को खरीदने के लिए 18.50 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरेन पर जितनी रकम खर्च हुई है उतनी आज तक IPL इतिहास में किसी भी खिलाड़ी को खरीदने के लिए खर्च नहीं हुई थी। IPL 2023 में इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरेन के खराब प्रदर्शन ने ये साबित कर दिया कि पंजाब किंग्स की टीम ने 18.50 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए।